हाय दोस्तों, आज का न्यू वीडियो है, ये है नोकिया का 1035 मॉडल नंबर मोबाइल। इसकी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब इसे चालू कर रहे हैं ना। देखिए अभी मैं चालू करता हूँ, देखिए ये ऑन हुआ, अब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो आज हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसे खोल लेना है फटाफट, ठीक है। इसमें स्क्रू मेरी लगा रहता है, ठीक है। इसे हमको फटाफट खोल लेना। ये दोस्तों फटाफट खुल भी गया है ये, ठीक है। उसकी मदद से हमको खोलना है इसको अच्छे से, कि कोई चिप चुप ना जाए, आराम आराम से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे खोल दिया। अब जो उसकी मेन आईसी रहती है दोस्तों, इसकी जो मेन आईसी रहती है दोस्तों वो यहाँ पे रहती है, तो इसको मुझे खोल लेना है। देखिए ये जो है, ये मेन आईसी है दोस्तों। इसी पे हम लोग को पेस्ट लगा के हीटिंग देना है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपना जो आईपी होता है आईपी, उससे एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पहले। अगर इससे सॉल्व हो गया तो अच्छा है, नहीं तो आपको हीटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आईपी मार देते हैं यहाँ पे, इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम में तो आईपी का जो रहता है दोस्तों उससे सही हो जाता है। एक बार हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं बैटरी लगा के, अगर नहीं होगा तो इसको हीटिंग मारेंगे, ठीक है। तो ये हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसका हीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है और इसे लगा लेना है, ठीक है। देखिए अब ब्लोअर गन से हीट देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले थोड़ा झूम कर लेते हैं इसे, कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इसमें अच्छे से हीटिंग मार रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ने हीटिंग मार लिया है, अब इसको एक बार चालू करके देखेंगे, ठीक है। पहले इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आईसी गर्म भी हो चुकी है, पहले इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग ने अभी किया है उसको वजह से थोड़ा इसे क्लीन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों सोल्यूशन हो जाना चाहिए, एक बार ट्राई कर लेते हैं।
देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपनी सारी सर्विसिंग कर ली है, अब मैं इसको बैटरी लगा के चेक करूँगा। अगर ये ऑन हो गया तो हमारा मोबाइल ओके हो जाएगा, अगर ये ऑन हो के ऑफ़ हो गया तो समझ जाना इसके आईसी में कुछ प्रॉब्लम है। और ज़्यादा केस में आप लोग ने देखा होगा कि मोबाइल चालू हो ही जाता है, बट अगर हम लोग के रिबॉलिंग करने से भी अगर मोबाइल नहीं चालू हुआ तो मतलब समझ जाना आईसी ख़राब है, तो आईसी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय दोस्तों।